नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक सीरीज़ के बारे में, नाम है धारावी बैंक, आई है एमएक्स प्लेयर पे। इसके डायरेक्टर हैं सुमित कक्कड़। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से, और यहाँ कहानी है मुंबई की, और मुंबई में देश के सबसे बड़े स्लम धारावी की। धारावी की 30,000 गलियों पे साम्राज्य है थलाइवन का, यानी सुनील शेट्टी का, और इनका ये साम्राज्य करीब 30,000 करोड़ रुपए का है। सभी गलत सही धंधे ये करते हैं, और जैसा कि सीरीज़ में विवेक ओबराय एक बार कहते हैं कि हर धंधे में थलाइवन का पैर है, लेकिन उनके निशान कहीं नहीं है। और CM है यहाँ सोनाली कुलकर्णी, वो चाहती हैं कि थलाइवन का ये जो धंधा है वो बंद हो। थलाइवन पॉलिटिशियन और इंडस्ट्रियलिस्ट के ब्लैक मनी को अपने यहाँ इकट्ठा करके रखते हैं, धारावी बैंक उसका नाम है। और सोनाली कुलकर्णी यानी CM इस धारावी बैंक को बंद करवाना चाहती हैं, वो थलाइवन का खात्मा करना चाहती हैं। पुलिस कमिश्नर को वो बुलाती हैं और उनको ये काम वो सौंपती हैं, और फिर पुलिस कमिश्नर JCP जयंत गावस्कर यानी विवेक ओबराय को ये टास्क सौंपते हैं। इसके बाद क्या होता है, थलाइवन का क्या अंत होता है या नहीं होता है, JCP किस प्रकार से उनके साम्राज्य को टक्कर देते हैं, यही कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ की कहानी बहुत ही पुरानी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। माफिया और पुलिस की टक्कर न जाने कितनी बार और कितनी तरह से हम लोग देख चुके हैं। तो ये जो कहानी है इसमें ऐसा कोई दम नहीं दिखता, एक सिंपल स्टोरी ही हमको दिखती है। और स्टोरी के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, जैसे करप्ट पॉलिटिशियन का होना, या फिर पॉलिटिकल इक्वेशन का चेंज हो जाना, या फिर एक पुलिस अधिकारी जिसका अपना एक पर्सनल कहिए कि एजेंडा भी है, उसका एक उद्देश्य है और उसका कुछ पेन भी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम बार बार देख चुके हैं। यहाँ भी हमको वही दिखता है और इसमें कोई नयापन नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऐसा हमको इसमें देखने में आता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ट्विस्ट और टर्न हैं, ये भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल हैं, और कुछ चीज़ें तो बहुत ही शॉकिंग है। यहाँ एक व्यक्ति को ये दिखा दिया कि वो मर करके जिंदा हो गया, मिरेकल हो गया उसके साथ। तो भाई, ये चीज़ आपको अच्छी लगती हो देखने में तो आप देखिएगा, मुझे तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। और दोस्तों, इस सीरीज़ की जो गति है, जो इसका पेस है और लंबाई है, ये दोनों बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ये सीरीज़ इतनी स्लो है कि 1.5x पर भी अगर आप इसको देखें तो भी आपको कई बार 10-20 सेकंड इसको भगाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों के साथ एक दो चीज़ ऐसी हैं जिसकी अलग से बात करनी पड़ेगी, और ये है कि यहाँ धारावी की गलियों को, उसकी तंग अंधेरी गलियों को बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है। और आप अगर धारावी नहीं गए हैं तो आप ये देख करके हैरत में पड़ सकते हैं कि आखिर ये बस्ती है कैसी। तो इसको बढ़िया ढंग से दिखाया है, चाहे टॉप एंगल से दिखाया हो या जैसे भी, और यहाँ आपको एक कैमरा वर्क अच्छा दिखता है। इसके अलावा दोस्तों, जो इस सीरीज़ की कास्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ सुनील शेट्टी हैं या दूसरे किरदार जो रखे गए हैं वो अपनी जगह ठीक है, जो सहायक किरदारों में कलाकार रखे गए हैं वो भी अच्छे हैं, और एक दो किरदार ऐसे हैं जो आपको थोड़े प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ तारा का किरदार है या शिव का किरदार है। दोस्तों, अगर अभिनय की बात करें तो सुनील शेट्टी अपनी भूमिका में जमे हैं, अदाकारी भी उन्होंने अच्छी की है, और विवेक ओबराय को भी देखना अच्छा लगता है, पुलिस अधिकारी की भूमिका में वो हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है, जो उनके कुछ एक्सप्रेशंस हैं वो देखने में अच्छे लगते हैं। इसके अलावा सोनाली कुलकर्णी है, फ्रेडी दारूवाला है, हितेश भोजवानी है, तो बहुत सारे कलाकार आपको दिखते हैं, लेकिन इन लोगों का काम जो है वो ठीक ही कहा जाएगा। 10 एपिसोड आए हैं अभी पहले सीजन में, हालाँकि दूसरे सीजन की गुंजाइश भी छोड़ी गई है, और ये एपिसोड 35-40 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक के हैं।
यहाँ सेक्स न्यूडिटी भी है, गाली गलौज भरपूर है, और इसके अलावा यहाँ ब्रूटैलिटी का एक अलग ही लेवल टच कर दिया गया है। देखिए, फिल्मों में आपने सुना होगा कि विलेन कई बार ये कहता है कि तुम्हें काट करके कुत्तों को खिला दूंगा बोटी बोटी करके, और यहाँ ये चीज़ रियल में दिखा दी गई है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हिंसा यहाँ दिखाई गई होगी। तो परिवार और बच्चों के साथ देखने लायक ये सीरीज़ नहीं है। हालांकि दोस्तों, ये सीरीज़ वैसे भी देखना एक टाइम वेस्ट ही है, लेकिन अगर आप सुनील शेट्टी के बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हैं, विवेक ओबराय के फ़ैन हैं, आप उनको ऑन स्क्रीन देखना मिस नहीं कर सकते, तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देख सकते हैं। वैसे भी अगर क्राइम की सीरीज़ में, पुलिस चोर की कहानी में आपका इंटरेस्ट है, तो एक चांस आप इसको दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सीरीज़ बिलो एवरेज ही कही जाएगी, और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से केवल 2 की। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।